हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बजट कैटेगरी का बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर जिसका नाम है शाओमी वेम्बो X1 प्रो। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इसके अंदर एक वारंटी कार्ड जिसमें आपको मेंशन किया गया है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी, यानी कि वेम्बो आपको 1 ईयर कंप्लीट वारंटी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद नीचे आके देखें तो थोड़े से आपको कुछ यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिल जाएंगे जिसपे आपको उसको यूज़ करने का तरीका है, रिमोट पेयरिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जिसके थ्रू आपको प्रोजेक्टर को चलाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसके अंदर भी एक छोटा सा वारंटी कार्ड आपको मेंशन करके दिया गया है, तो वो भी आप जाके फिल कर सकते हो। और नीचे की तरफ हमारी मेन यूनिट है जिसको बहुत ही सेफ्टी के साथ में कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, और ये पूरा कार्डबोर्ड के साथ में मिला है ही। ये बहुत सॉफ्ट कार्डबोर्ड है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या इसके साथ मिलता है। तो सबसे पहले इसमें मिल जाएगा आप हमारा प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर इसमें कुछ अभी खास है नहीं बॉक्स के अंदर, और प्रोजेक्टर के अंदर में अभी प्रोजेक्टर को पहले निकाल लेते हैं इस कार्डबोर्ड से बाहर, क्योंकि मेन एक्सेसरीज इसके नीचे ही मिलेंगी आपको। तो प्रोजेक्टर करते हैं साइड और पहले देख लेते हैं कि एक्सेसरीज़ में क्या क्या हम लोग को मिल जाता है। एक्सेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा बहुत ही शानदार सा एक खूबसूरत सा रिमोट, वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। ये फुली फंक्शनल रिमोट है, पावर कॉर्ड, 2 पिन पावर कॉर्ड आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, और उसके बाद मिल जाएगा आपका लेंस कवर जो प्रोजेक्टर के लेंस को प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अब कुछ है नहीं, आते हैं प्रोजेक्टर की तरफ। तो यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोजेक्टर है ये। अगर सामने से आप इसे देखोगे ना तो ये आपकी आंखों को बिल्कुल पसंद आएगा। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्लोजी सा लुक दिया है इन लोगों ने। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इस प्रोजेक्टर का, एक छोटा सा ओवरव्यू लुक आपको मैं दे देता हूँ प्रोजेक्टर का। तो प्रोजेक्टर और रिमोट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है, कंपनी ने दोनों को बिल्कुल साइड से दिया है। और लुक्स की बात करें तो सामने आपको प्रोजेक्टर लेंस और एक IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, यानी कि IR रिसीवर, और ऊपर की तरफ में आपको मैनुअल की स्टोन करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप फोकस कर सकते हो और की स्टोन करेक्शन भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की मैं बात करूँ, पीछे की तरफ आपको एक USB पोर्ट मिलता है, एक आपको HDMI पोर्ट मिलता है, एक आपको हेडफोन जैक, एक AVRCA पोर्ट एंड पावर बटन, और इसके अंदर पीछे की तरफ भी आपको एक IR रिसीवर देखने को मिल जाता है। तो रिमोट आपका चारों तरफ से चलेगा। साइड की बात करें तो आपको साइड की तरफ में ये एयर वेंटिलेशन मिल जाती है, जहाँ से आपका जो फ़ैन है वो आपका एयर वेंटिलेट करता है। और क्योंकि आपका प्रोजेक्टर टाइम बहुत ज़्यादा हीट होगा टाइम पे, तो उसके लिए एयर वेंटिलेशन मिलती है। साथ में इधर भी आपको एयर चैम्बर एयर वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगी, और साथ में इधर की तरफ में एक 3 वॉट का स्पीकर भी लगा हुआ है। इसका साउंड मैं ये कहूँगा इतना ज़्यादा बेटर तो नहीं है, पर फिर भी आपको बहुत अच्छा साउंड दे देगा। ऊपर की तरफ में आपको मैनुअल फोकस डायल एंड की स्टोन करेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इजीली फोकस कर पाओगे। मैं आपको चीज़ें बाद में दिखा दूंगा अभी कि किस तरीके का आपको मिल जाता है। और बॉटम में ही ऊपर की तरफ में देखें तो आपको ऊपरी साइड में ही एक कुछ फिजिकल कीज मिल जाती हैं, जिसमें एक रिटर्न की है, अप एंड डाउन, ओके का भी की मिलती है, यानी कि रिमोट अगर किसी वजह से मिस हो जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको काफ़ी बड़ा लेंस, एक IR रिसीवर एंड रिसीवर के ऊपर ही वैम्बो की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो पूरा प्रोजेक्टर आपका DBS प्लास्टिक से बनाया गया है और काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ इसके इंटरफेस की। तो इंटरफेस के में आपको एंड्रॉयड इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सजेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें अगर मैं सेटिंग्स में आऊँ तो आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सिंगल बैंड वाईफाई 2.48 GHz का है, एंड साथ में प्रोजेक्शन सेटिंग के अंदर में आप मैनुअली भी कर सकते हो फोकस ट्रैकिंग, और अप टू 45 डिग्री तक आप इसमें जो एंगल है उसको चेंज कर सकते हो, मैंने काफ़ी हद तक देखा भी है। और ट्राईपोर्ट के ऊपर में रख के मैं अपना प्रोजेक्टर पूरा यूज़ करता हूँ, और इसमें हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन भी मिल जाता है, और पिक्चर को जूम करने का ऑप्शन भी इजी मिल जाएगा।
जिसके अंदर में आप 100% तक जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो, वॉल जूम भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो आपको इसमें USB HDMI एंड कनेक्शन की ऑप्शन मिल जाएंगे, यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। ब्लूटूथ में आप कोई भी डिवाइस पेयर कर सकते हैं, अपना होम थिएटर वगैरह आप पेयर कर सकते हैं, मैंने भी किया हुआ है। तो बेटर साउंड आउटपुट के लिए आपको वही करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बेटर चीज़ इसमें मुझे क्या लगी कि इसमें आपको डिफ़ॉल्ट बूट सोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, और साथ में मल्टीपल लैंग्वेजेज़ हैं। इनपुट्स में भी आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स में परमिशन वगैरह आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। और पता नहीं क्यों बट ये टीवी डॉल्बी विजन सपोर्ट ये सपोर्ट नहीं करता आपका प्रोजेक्टर, बट फिर भी डॉल्बी विजन की नोटिफिकेशन ये दिखा रहा है। और पिक्चर सेटिंग्स में भी आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, साउंड सेटिंग में भी आपको डॉल्बी का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि ये डॉल्बी सपोर्ट करता है, क्योंकि डॉल्बी डिजिटल के ऊपर में आप जाके इसे सपोर्ट साउंड आउटपुट ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ इसके सेंट्रल प्रोसेसर की तो एंड्रॉयड 9 और सेंट्रल प्रोसेसर में आपको मिल जाता है A53, जिसमें 4 कोर आपको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मेन इंटरफेस पे कि आखिर कैसा दिखता है मेन इंटरफेस। तो यार ये इंटरफेस पूरा एंड्रॉयड है, बट ये एंड्रॉयड ऑफिशियल नहीं है, ये मोबाइल वर्जन है। और पिक्चर क्वालिटी मैं अभी आपके सामने फिलहाल दे रहा हूँ, पिक्चर क्वालिटी किस तरीके की है। तो कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बस छोटी सी कमी मुझे लगी कि इसमें जो ब्राइटनेस हमें दी गई है 3300 लूमेंस, तो अभी यार ये ब्राइटनेस मुझे सफिशेंट नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। बट एक छोटे रूम के लिए अगर आप डार्क रूम में देखना पसंद कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको ये दे देगा एंड पिक्चर क्वालिटी। लेकिन दोस्तों याद रखें कि अगर आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो आपको इस प्रोजेक्टर को फायर टीवी स्टिक या फिर किसी अच्छे एंड्रॉयड बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है HDMI के थ्रू, तो आप बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसमें ले सकते हैं। बाकी मैंने कुछ सैंपल्स इसमें चलाए हैं तो मुझे शार्पनेस बहुत अच्छी लगी, कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, विविड कलर्स हैं, क्लोज टू नेचुरल कलर देखने की कोशिश देने की कोशिश करता है। अपने डार्क सीन के अंदर में भी मैंने नोटिस किया है कि जो डिटेल्स हैं वो मिस नहीं होती, जैसे कि अभी आप देख रहे हो जो पीछे कैट है उसके पीछे पूरा ओवरऑल डार्क है, और डार्क पूरा ही अच्छा लग रहा था। और कुछ मैंने मल्टीपल जो कलरफुल भी कंटेंट मैंने यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ भी आप देख पा रहे हो, तो जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो एकदम क्लियर विजिबल होते हैं आपको। बट ये मैंने जो चलाया है ये टोटली मैंने इसी के इनबिल्ट यूट्यूब के ऊपर में कंटेंट प्ले किया है, एक्स्ट्रा कोई भी एडिशनल सोर्स मेरे पास नहीं है जिसके थ्रू मैं कंटेंट प्ले कर पाऊँ। तो कुछ मैंने ऐसे कंटेंट भी प्ले किए हैं इसके ऊपर में जो थोड़े से डार्क हैं, जिसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, विविड कलर्स शो होने चाहिए। और यकीन मानिए इसका जो कलर कंट्रास्ट है ये वाकई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और डिटेल भी काफ़ी अच्छे से ये हैंडल कर लेता है। साथ में अगर मोशन हैंडलिंग की बात करूँ तो इसके अंदर में आपको 60Hz का LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मोशन से रिलेटिंग कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट इसमें HDR नहीं है तो थोड़ा सा मुझे एक डाउन पॉइंट लगा कि इसमें HDR नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाती है, खासकर जहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं और कलर्स थोड़ी थोड़ी देर में जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपेयर टू शायद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टर अभी अपनी लाइफ में देखे हैं, बट मेरा पहला प्रोजेक्टर है जो उसमें यूट्यूब के ऊपर मैं लेके आया हूँ। तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और इसके रिगार्डिंग मुझे ऐसी कोई कमी मुझे लगी नहीं है। बट फिर भी अगर आप अपने घर के लिए देख रहे हैं, खाली अपने रूम के लिए जिसके अंदर आपको इंटरटेनमेंट पर्पज से चाहिए, तो आप इजीली लगा सकते हो। तो प्लस मैं थोड़ा साइड से भी आपको दिखा दूँ, अगर मैं साइड से भी देखूँ तो इसमें ब्लर नहीं है, साथ में कलर लॉस नहीं होता, और फुल HD वीडियो प्ले करते टाइम इसके अंदर में कोई भी पिक्सल नोटिस नहीं किया जा सकता। मतलब वैसे तो इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो 720p का है, बट अगर इसको YouTube पे मैं जैसे प्ले करता हूँ और कोई मैं 1080p तक प्ले कर दूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे कंटेंट देखने को मिल जाता है। साथ में अदर ऐप्स का भी सपोर्ट है, जैसे Netflix है, Amazon Prime Video है, Disney Hotstar Plus है, Amazon ये आपका MX Player है, तो मैंने इनके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स वीडियो प्ले किए हैं और कंटेंट शो किए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और मैंने Amazon Prime Video देखा, बट जो क्वालिटी है Amazon Prime Video के ऊपर में वो आपको मिलेगी सिर्फ 480p की,
क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है मोबाइल वाला, तो मोबाइल वाला इंटरफेस के ऊपर में आपको 480p से ऊपर की क्वालिटी नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा देखने में, काफ़ी बेटर क्वालिटी मुझे प्रोवाइड देखने को मिली। और जो लैंप लाइफ की भी मैं बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है 30,000 घंटे मिनिमम आपका, अगर मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो देखते हैं वो अगर चलेगा तो शायद से आपका 5-6 साल आराम से ये निकाल सकता है एक मिनिमम प्रोजेक्टर। और प्राइसिंग भी इस प्रोजेक्टर की काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल मैंने इसे एक ट्राईपोर्ट के ऊपर भी पॉइंट आउट किया, मैंने रखा हुआ है और मेरे पास इतना कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं इसे चला पाऊँ ठीक से, बट जो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है और आपको बाय करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों अगर सब्सक्राइब करोगे तो आगे ऐसी वीडियो और आती रहेंगी।